डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, है ना। इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे। अजय, अतुल एंड अनुराग आर पार्टनर, तीनों पार्टनर हैं और वो 1-2-3 रेशियो में अपना प्रॉफिट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी बैलेंस शीट बना के दिए 31 दिसंबर 2018 की, है ना। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर है, ठीक है। असेट्स में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है और क्या है, कैश है। ऑन 1 जनवरी 2019 को अनुराग रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? अनुराग, ठीक है। द गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000, मतलब 30,000 की उन्होंने गुडविल निकाली है फर्म की टोटल, है ना। द अमाउंट पेबल टू अनुराग से टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो अनुराग को जो अमाउंट दी जाएगी, चुकाई जाएगी, उसको लोन खाते में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको क्या तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से ही आप इसको प्रिपेयर करना, और क्रेडिट साइड जब आप प्रिपेयर करो तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चले जाना, वहां से तीन चीज उठा के लाना। एक तो पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी करके लिखेंगे, अजय अतुल अनुराग तीनों की कैपिटल लिख देंगे। उसके बाद यदि कोई जनरल रिजर्व है तो तीनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पूरा जनरल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व होता है। ये रिजर्व कैसे बनाया जाता है, जो ये पिछले कई सालों से उन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ डिडक्ट करके रिजर्व बनाते हैं, है ना, संचय करते रहते हैं उस प्रॉफिट को। तो उस प्रॉफिट में जो जाने वाला जो सहायदार होता है उसका भी हिस्सा होता है, तो वो जा रहा है तो पूरा कैलकुलेशन करके जाएगा, अपने हिस्से का जनरल रिजर्व भी लेके जाएगा। तो जनरल रिजर्व, है ना, इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। कौन कौन सहायदार है इसके अंदर, एक तो अजय है, एक कौन है, अतुल है, और एक कौन है, अनुराग, ठीक है। कितना है क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व दिया है 18,000, तो 18,000 को अपन क्या करेंगे, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 18,000 और 18,000, है ना। इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो है 1:3, मतलब 1/6, 2/6 और 3/6, ठीक है। इसको 6 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 3000, है ना। तो ये इसका 3000, इसका आ जाएगा 6000 और इसका आ जाएगा 9000, ठीक है। तो इसके हिस्से में कितना आया, 3000 आया, 3000 लिख दीजिए, है ना। इसके हिस्से में कितना, इसका शेयर कितना है जनरल रिजर्व में, 6000 है तो 6000 लिख दीजिए। इसके में कितना है, 9000, तो 9000 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यदि लाइबिलिटी साइड कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो, जो उन्होंने पिछले कई सालों से डिवाइडेड नहीं किया है, यदि वो होता तो यहाँ पर अनडिवाइडेड प्रॉफिट करके तीनों को ओल्ड रेशियो में बांट देते, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस जो रहेगी क्रेडिट साइड में, यदि क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है और उसके अंदर एक प्रॉफिट आता है, क्या आता है, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का यदि प्रॉफिट आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट करके प्रॉफिट भी यहां पर अपन लिख देंगे तीनों का, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, किसी भी असेट से या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। उसके बाद यदि फर्म की गुडविल है, क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल है, तो उसका किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें फर्म की टोटल गुडविल क्वेश्चन के अंदर दी है 30,000, इसके अंदर अपन अनुराग की जो है गुडविल निकालेंगे, अनुराग गुडविल, है ना। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 30,000, कितनी है, 30,000। अब इसमें अनुराग जा रहा है तो अपने हिस्से की क्या लेके जाएगा, गुडविल लेके जाएगा, तो अनुराग का इसके अंदर शेयर कितना है, अनुपात कितना है, 3/6 है, कितना है, 3/6, तो इसको 6 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। अब इस 15,000 को कौन पेड करेगा, कौन पेड करेंगे, जा कौन रहा है, अनुराग जा रहा है, ठीक है। तो इस अनुराग अपनी गुडविल लेके जाएगा और अजय और अतुल उसको, अनुराग को क्या देंगे, उसकी राशि देंगे, है ना। इसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी, जनरल एंट्री की, रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिमेनिंग पार्टनर, है ना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, रिटायर पार्टनर कौन है इसके अंदर, अजय और अतुल, है ना। तो यहां पर अजय से कैपिटल आ जाएगा, अजय से कैपिटल, और कौन आ जाएगा, अजय से कैपिटल और अतुल से कैपिटल, ठीक है, अतुल से
कैपिटल, क्योंकि जनरल इनकी जनरल एंट्री होती है, क्या होती है, रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायर, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, जनरल के अंदर डीआर हो रहे हैं। जब उनकी पोस्टिंग होगी तो किस साइड में होगी, क्रेडिट साइड में होगी, लेकिन लिखा जाएगा किसका नाम, अपोजिट पार्टनर का नाम, ठीक है। नाम किसका लिखा है, अजय और अतुल का, लेकिन राशि किसको मिलेगी, अनुराग को। किस इस राशि को 15,000 को जो अजय और अतुल है, कौन अजय और अतुल, अतुल दोनों अपने रेशियो में क्या कर लेंगे, डिवाइडेड कर देंगे। उनका रेशियो कितना है ना, ये जाने के बाद जो अतुल है उसके जाने के बाद उनका रेशियो कितना बच जाएगा, 1:2 बच जाएगा। तो 1/3 और 2/3, ठीक है, ये 5,000 आ जाएगा इसके हिस्से में, मतलब ये 5,000 देगा और ये कितना देगा, 10,000 देगा, ठीक है। तो जो अजय है वो 5,000 और ये कितना देगा, 10,000, ठीक है। अब ये इधर दे रहे हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पर अब जो आएगा अनुराग क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा ना, डेबिट साइड में अनुराग से कैपिटल अकाउंट, अनुराग से कैपिटल अकाउंट, है ना। अब रकम अजय के खाते में से कितनी माइनस हो जाएगी, 5,000, ठीक है, और अनुराग अतुल के खाते में से कितनी कम हो जाएगी, 10,000, क्योंकि ये किसको दे रहे हैं, अनुराग को दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, और फिर इन दोनों की अब यहां पर जो अनुराग है उसका बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले किसका बैलेंस निकालते हैं, अनुराग का बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। अनुराग का बैलेंस कितना आ जाएगा, इसको एड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0,000 40,000, कितना आ रहा है, 40,000, ठीक है। तो इसकी जो अमाउंट है ये कहां पर डालनी है, अनुराग से लोन अकाउंट, अनुराग से लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो ये जो 40,000 है ये अनुराग से लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और इस प्रकार से इसके दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल लगाएंगे 26,000, इसका टोटल लगाएंगे 27,000, ठीक है। अब बैलेंस निकालेंगे कि अब अनुराग के जाने के बाद इनकी कैपिटल कितनी बची हुई है, ठीक है। 27,000 में से 5,000 माइनस होंगे, कितने बचेंगे, 22,000, तो ये नई कैपिटल आ जाएगी अनुराग के जाने के बाद, है ना। इधर 26,000 में से 10,000 यदि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16,000, तो ये इसकी न्यू कैपिटल आ जाएगी। अब टोटल लगाएंगे इसका, तो ये 27,000 और ये आ जाएगा 26,000, ठीक है। इस प्रकार से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ये गुडविल वाला जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से आप समझना कि अनुराग जा रहा है तो अपने हिस्से की क्या लेके जाएगा, गुडविल लेके जाएगा, ठीक है। तो फर्जी की कुल गुडविल कितनी है, 30,000, कितनी है, 30,000, तो उसका हिस्सा कितना है, 3/6, तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी बन रही है, 15,000 बन रही है। अब इस 15,000 को कौन पेड करेंगे, अजय और अतुल देंगे। तो इसकी अपन ने कुछ क्वेश्चन किए हैं जिसके अंदर मैंने आपको गुडविल की एक एंट्री आपको बताई थी, जनरल की एंट्री बताई थी, जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायर पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डीआर टू रिटायर पार्टनर, तो जनरल के अंदर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डीआर हो रहे हैं, है ना, और रिटायर पार्टनर क्या हो रहा है, सीआर हो रहा है। तो रिटायर पार्टनर सीआर हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, लेकिन लिखाएगा क्या उसके अपोजिट खाते का नाम, तो अपोजिट खाते में कौन कौन है, अजय और अतुल, और अमाउंट किस केस में लिखाएगी, अनुराग के खाते में, है ना। जनरल में रिमेनिंग पार्टनर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहे, लिखाएगा उसके अपोजिट खाते में कौन है, अनुराग कैपिटल अकाउंट, अनुराग है तो अनुराग का नाम आएगा, ठीक है, और जो अमाउंट है वो अजय और अतुल में लिखाएगा। इस प्रकार से उनके खाते में ये इधर दे रहे हैं, अनुराग के खाते का बैलेंस बढ़ जाएगा, और वो दे रहे हैं 5,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, तो उसकी जो कैपिटल है इतनी अमाउंट से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर 24,000 और 3,000, इस प्रकार से इसका बैलेंस कितना हो गया, 27,000। अब इसमें से उसने 5,000 किसको दे दिया, अनुराग को दे दिया, अब उसकी नई कैपिटल कितनी रिमेनिंग बच गई, 22,000, जिसका बैलेंस पहले की कैपिटल जिसकी 20,000 थी और फिर 6,000
का क्या क्लास को रिजर्व मिला। तो इस प्रकार से इसका जो बैलेंस है फर्म के अंदर वो कितना है 26,000, इसमें से उसने 10,000 किसको दे दिया, अनुराग को दे दिया, तो उसका बैलेंस उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नई कैपिटल उसकी कितनी बचेगी, 16,000 है ना। तो ये जो कैपिटल है, अब ये जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी बैलेंस किसका निकलता है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, क्योंकि जो अनुराग है वो तो क्या हो गया, चला गया, तो उसका कभी भी बैलेंस नहीं निकलेगा। उसकी अमाउंट को कहां डाल दिए, लोन अकाउंट में डाल दिए। अब उसको अजय और अतुल को अनुराग को 40,000 रुपए देने हैं, ठीक है। अभी लोन खाते में डाल दिए, किस्त के माध्यम से देता रहेगा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन लोन अकाउंट के भी आएंगे, उसमें इस चीज को हम और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।